अभी ऑलमोस्ट शाम के 8 बज गया है, मैं ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करूंगा। पूरा बकवास है खाने में। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी मैं सिकंदराबाद के लिए ट्रेन में चढ़ चुका हूँ। ट्रेन का नाम है फलकनामा एक्सप्रेस और ऐसे इस ट्रेन का टाइम है 8:35 और सिकंदराबाद पहुँचने का टाइम है कल सुबह 10:10 पे। टोटल 25 से 26 घंटा का समय लेता है ये 1,550 किलोमीटर का ये जर्नी। इससे पहले जब हम सिकंदराबाद आए थे 2 मंथ एगो, उस टाइम बेडशीट ब्लैंकेट वगैरह नहीं मिलता था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं ये सब दिया जा रहा है। सुबह 4 बजे मैं उठा था, उसके बाद 5:30 बजे घर से मैं निकल गया था। बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था इसीलिए ब्लॉग बनाना रह गया। बीच में मैं 2 बार उठा था ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। अभी ऑलमोस्ट शाम के 8 बज गया है, देख सकते हैं सब कोई डिनर खरीद रहा है। मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर करूँगा। चलिए देख लेते हैं ऑनलाइन पिज्ज़ा कैसे ऑर्डर किया जाता है। चलिए देख लेते हैं ट्रेन के अंदर से आप कैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। पहले डोमिनोज ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए ईमेल आईडी ऐड करके। उसके बाद ऐप को ओपन कीजिए, पर राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीवरी ऑन ट्रेन, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा एंटर योर पीएनआर पे आपका ट्रेन टिकट का पीएनआर नंबर डाल दीजिए। नीचे आई एग्री पर टिक करके सबमिट कीजिए। नीचे देख सकते हैं IRCTC का टर्म कंडीशन दिया गया है, उस पे उसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। एंड ऑर्डर हिस्ट्री पर जाकर ओल्ड ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। आप जो पीएनआर डाले हैं उससे ही आपका ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, डेट ऑफ जर्नी, रूट, कोच, सीट नंबर सब ऑटोमेटिक ले लेगा। कौन कौन स्टेशन से आपको पिज्ज़ा डिलीवरी मिल सकता है टाइम के साथ वो भी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेरे में जैसे दिखा रहा है विजयनगरम जंक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टेशन के साइट पे सिलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करके सबमिट करना है। अब आप देख सकते हैं एक्सप्लोर मेनू का एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, यहाँ से आप मनपसंद पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। एक्सप्लोर मेनू को ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर एक नॉन वेज लोडेड रेगुलर एंड बर्गर पिज्जा क्लासिक नॉन वेज मैंने ऑर्डर किया, लेकिन मेरा ऑर्डर टोटल था 256। ट्रेन में अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मिनिमम ऑर्डर का वैल्यू 300 होना चाहिए, इसलिए मुझे एक आइटम ऐड करना पड़ा जो कि है ब्राउनी फैंटासी। यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन है ट्रेन में अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। एक है कि मिनिमम 300 कार्ड वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर कूपन कोड वगैरह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो भी है ऑफर देके आपको टोटल मिलेगा। यहाँ पर मैंने तीनों आइटम को ऑर्डर कर दिया हूँ और कंफर्म ऑर्डर भी कर दिया हूँ। ट्रेन में ओनली कैश ऑन डिलीवरी पे ही आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड या फोन पे वगैरह यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए अभी ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया है और आने का वेट करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के बाद एक ऑप्शन आ जाता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग ऑप्शन से आप जाकर ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। विजयनगरम स्टेशन आने का 5 मिनट पहले डिलीवरी भैया का मुझे कॉल आया था। उन्होंने बताया कि गेट के सामने खड़ा रहिए क्योंकि उनके टिकट वगैरह नहीं है, वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए देख सकते हैं मैं ट्रेन का गेट के सामने मैं खड़ा हूँ, मुझे डिलीवरी मिल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी आइटम यहाँ पर अच्छे तरह से पैकिंग करके दिया गया है। चलो अभी जल्दी से डिनर कर लेते हैं। पिज्जा बहुत ही अच्छा है लेकिन बर्गर पिज्जा बेकार है। बर्गर पिज्जा मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा, पूरा बकवास है खाने में। लेकिन ब्राउनी फैंटासी बहुत ही अच्छा है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। अभी रात को 10:30 बज चुका है, विशाखापट्टनम जंक्शन आ गया है, ट्रेन ऑलमोस्ट लेट है। यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत लोग डिनर खरीद रहे हैं। बहुत रात हो चुका है, फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। पसंद आया है तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और नए हैं तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।